नमस्कार, मैं हूं जायरा। टोटल टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत बुलेटिन की करेंगे। 20 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार में विपक्ष आपके समक्ष रैली का आयोजन करने जा रहे हैं और इस रैली को ऐतिहासिक कामयाबी दिलाने के मकसद से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस रैली की तैयारियों से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हवा ऊंट पर जीप फेरती, मौसम बदल रहा है, हरियाणा के सियासी माहौल को और भी गर्माने का काम हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कर रही है। दरअसल हिसार के सेक्टर 1-4 के इलाके में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल इसे नाम दिया गया है विपक्ष आपके समक्ष और एक बड़ी रैली का आयोजन हिसार के सेक्टर 1-4 के इलाके में, और तस्वीरें आपको दिखाने का काम कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ लोगों के स्वागत को लेकर तैयारियां सेक्टर 1-4 के इलाके में मुकम्मल की जा रही है। स्टेज आप देख लीजिए, 3 लेयर्स में स्टेज यहां पर तैयार किया गया है। अलग अलग श्रेणी के कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को अलग अलग रैंकिंग के हिसाब से इन 3 श्रेणियों में बैठाने का काम किया जाएगा और उसके बाद बड़ी तादाद में यहां पर बैठने की व्यवस्था यहां पहुंचने वाले लोगों के लिए की गई है। वाटर प्रूफ यहां पर टेंट तैयार किया गया है और ये वाटर प्रूफ टेंट अब लगातार आगे बढ़ाने का काम इन तमाम टेंट लगाने वाले लोगों की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है। तस्वीर आप एक बार फिर से देख लीजिए किस तरीके से बैठने की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। आर्टिस्ट के लिए स्टेज यहाँ पर किस तरीके का बनाया गया है और इसके पीछे बड़ी तादाद में कुर्सियां लगाई गई है और उसके पीछे यहाँ पर लोगों के लिए कारपेट बिछाने का काम इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिसार जिले के प्रभारी जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, खुद मुआयना कर रहे हैं और लगातार रैली स्थल पर मौजूद है। जेपी साहब, मुझे बताइए कि रैली का स्थल 3 लेयर्स में स्टेज यहाँ पर तैयार किया गया और कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है? देखिए, मिनिमम 30,000 लोग टेंट के अंदर अंदर आएंगे और उसके बाद हमने दोनों साइड में 60-60 फुट की लंबाई फिर चौड़ाई बढ़ाई है और आज ही जब हमें आभास हुआ कि जिस गांव में हम एक बस भेज रहे हैं 3 बस आ रही है तो हम इसको 150 फुट और लंबा कर दिया है। यानी कि मेरे हिसाब से हरियाणा प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा टेंट प्राइम मिनिस्टर से लेकर के मुख्यमंत्री तक इसमें कभी नहीं लगा हुआ। प्रधानमंत्री का जिक्र आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार के इसी मैदान पर रैली करने का काम किया था, उसी रैली को आधार मानकर अब कांग्रेस पार्टी अपनी रैली कर रही है? नहीं, आधार तो देखो किसी का किसी से नहीं माना जाता। आधार में तो राजनीति में तो कंपटीशन होना चाहिए काम कर विश्वास का, तो वो कंपटीशन हमारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। लेकिन हमने इससे बड़ा ग्राउंड ही नहीं दिखाई दिया। तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे कि विपक्ष है कहाँ, मैं आज आपके माध्यम से उन साथियों को एक चुनौती देना चाहता हूँ कि आप वो कल आकर के देखना कि हरियाणा प्रदेश में विपक्ष या विकल्प है। यानी कि कल से कांग्रेस पार्टी एक विकल्प के रूप में देखी जाएगी और जो लोगों का प्यार प्रेम और स्नेह कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान जी की जोड़ी को मिला है वो एक बड़ा भारी अद्भुत है, एक निराला है रहेगा। और जिस तरीके से हमारे नौजवान साथी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार प्रयास करके इस इलाके में एक राजनीतिक चेतना ही देने का काम नहीं किया बल्कि इस प्रदेश के नौजवानों को राजनीतिक तौर से जागरूक करने का काम किया, तो कल के बाद मैं समझता हूँ कि मनोहर लाल जी ने जो बात कही थी ना कि भाई मैं तो तान के सो जाऊंगा, इस रैली को देखने के बाद मनोहर लाल जी तान के सो जाएंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी विकल्प के रूप में जब जनता के सामने दिखेगी तो कल से ही गिनती उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। गठबंधन सरकार जा रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। चलिए मुझे ये बताइए कि 3 श्रेणी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, 3 लेयर्स में स्टेज को तैयार किया गया है, ये 3 लेयर्स में अलग अलग लीडर्स को किस तरीके से आप सूचीबद्ध किस तरीके से करेंगे, अलग अलग श्रेणियों में किस तरीके से नेताओं को बैठाएंगे? देखो, श्रेणियों में नहीं है, जो पहली पंक्ति होगी इसमें विधायक, मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, चलो मुंह से मेरा निकला, पीसीसी प्रेसिडेंट और दूसरे पार्टी के जो प्रदेश के पदाधिकारी है वो सब लोग बैठेंगे और दूसरे एक्स MLA, एक्स MP, जिलों के नेतागण, जिन लोगों ने रैली में काम किया। इस रैली में एक विशेषता मंच की ये भी होगी कि हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के जिन साथियों ने दिन रात मेहनत करके काम किया है उन लोगों को भी हम मंच पे बिठा करके उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी और JJP की तरह एक विशेषता ये है कि भाई ये लोग कार्यकर्ता का मान सम्मान देते हैं, इसलिए हमने उनको मंचों पे बिठाने का काम किया। चलिए मुझे ये भी बता दीजिए कि विपक्ष आपके समक्ष इस रैली में क्या सिर्फ हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोग ही पहुंचेंगे या पूरे हरियाणा प्रदेश से जो कांग्रेस पार्टी में आस्था रखने वाले लोग हैं इस रैली स्थल पर नजर आएंगे? नहीं, केवल हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र,
बाहर के जो साथी देखना है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग शायद ये देखने आएंगे कि हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में हिसार शहर में ऐसा क्या हुआ है कि जिस तरीके का सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से और लोगों के काम से देख रहा है, यानी कि 5 से 10 हजार लोग तो यहाँ शहर के आएंगे, जो आज तक इतनी बड़ी रैली जब इतिहास में नहीं हुई है, तो इतना बड़ा टेंट जो लगाया है और सारा वाटर प्रूफ है और इसमें इतनी बड़ी क्षमता बैठने की, और सामने जो पार्किंग का सत्र दिखाई दे रहा है, और हमारे साथियों ने अब जब ये जचेगा कि इससे भी ज्यादा भीड़ आएगी मुझे ऐसा लग रहा है, तो उसका भी हमने आज जैसे 150 फुट टेंट बढ़ा दिया, 150 बाई 160 यानी 16,000 स्क्वायर फुट टेंट अभी अभी बढ़ने लग रहे हैं। इसके बाद भी हमने टेंट के जो साथी हैं इंचार्ज, उसको कहा कि भाई साथ साथ भी आपने इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाने का काम हम कर रहे हैं, किस तरीके से विपक्ष आपके समक्ष रैली को ऐतिहासिक कामयाबी दिलवाने की कोशिश यहाँ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। इसी मंच पर 20 अगस्त की तारीख को कांग्रेस पार्टी अपना एक बड़ा शो करेगी, और दीपेंद्र हुड्डा जिस तरीके से लगातार वो कह रहे हैं कि इस रैली के बाद विपक्ष की बजाय विकल्प कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बनने का काम करेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।